हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। एंड आज मैं मेरी बजीज की जो है बेबी को कैसे मैं मटकी से निकाल के साफ़ करती हूँ, अगर आप लोगों को भी वैसे प्रॉब्लम हो अच्छे से खा नहीं सकती है बेबीज तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो बेबी बजीज के फेस पे और चोंच पे कुछ लगे हुए हो तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए छत में चलते हैं एंड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन आएगी उसको जरूर क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी उसको भी दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए छत में चलते हैं एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स छत के ऊपर एंड इस मटकी को मैं आज साफ करूंगी। तो चलिए इसको उतारते हैं। मैंने मटकी को उतार लिया है एंड मैंने स्टोर रूम के पास आ चुकी हूँ। आप लोगों को अच्छी तरीके से यह ध्यान में रखना है, अगर आपको मटकी साफ़ करनी हो या फिर बेबीज़ को साफ़ करनी हो तो हमेशा इसको जो है खुली हवा में ना रखें, इसको कोई बंद जगह पे रूम पे रख सकते हो आप। तो चलिए मैं इसको रूम पे ले जाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स रूम के अंदर मेरी बेबी बजीज को लेके। तो सबसे पहले खिड़की आन जो दरवाज़ा होती है उन सबको क्लोज कर लीजिए अच्छी तरीके से ताकि ठंडी हवा ना आ सके। तो मैंने भी क्लोज कर लिया है एंड इस मटकी से मैंने जो है बेबी बजीज को नीचे रख दिया है। इधर पे चार बेबीज़ हैं, चार ही फेलो की बेबीज़ हैं आप देख सकते हो। तो अभी मैं मटकी को साफ़ करूँगी एंड उसी वाली मटकी में मैं उसको रख दूँगी, लेकिन जब तक ना साफ़ हो मैं चेक करके ये जो मैंने और एक मटकी लिया है उसके अंदर रखूँगी कुछ देर के लिए, करीब करीब 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैं ये वाली को चेक करूँगी। तो कैसे चेक करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उसकी मोशन लगी है कि नहीं वो आप चेक कीजिए एंड उसकी चोंच बिल्कुल साफ़ है कि नहीं वो देखना पड़ता है। अगर चोंच जो है साफ़ नहीं होगा तो वो खा भी नहीं सकेगा अच्छी तरीके से। सो सबसे पहले चोंच को जो है आप साफ़ है कि नहीं वो देख लीजिए। अगर साफ़ ना हो तो हाथ को थोड़ी सी गीली करके चोंच के सामने हल्के हाथों से आप साफ़ कर सकते हो। हाथ ज़्यादा गीली मत करना ताकि उसको ठंड ना लगे, थोड़ी सी अपने हाथ को गीली करना ताकि वो जो है गंध जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसी तरीके से मैं सारे बेबीज़ को जो है अच्छी तरीके से चेक कर लूँगी एंड ये वाली जो बेबी है वो सबसे बड़ा बेबी है एंड आप प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे है। और एक बात फ्रेंड्स, जो मटकी आप यूज़ करते हो जिसके अंदर बेबीज़ थी उसी को साफ़ करके उसी के अंदर आपको बेबीज़ को फिर टांग देना होगा मटकी को, क्योंकि अगर आप लोग दूसरे कोई मटकी देते हो और फीमेल जो है स्मेल से पहचान नहीं सकते हैं, बाई चांस ऐसी भी हो सकती है वो अपने बच्चे को ना खिलाए, तो ये रिस्क मत लेना। अगर सूखी बीट हो तो उसको आप साफ़ करके फिर से उसी वाले मटकी के अंदर बेबीज़ को जो है टांग दीजिए, कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने मटकी को जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है एंड मटकी को फिर से हैंग भी कर दिया है और उसकी फीमेल जो है मटकी के अंदर जा भी रही है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।